हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कुक। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं केक रेसिपी। और केक बनाने के लिए, वैसे तो हम बहुत सारे केक बनाए हैं, लेकिन आज हम कैरेट केक बना रहे हैं। ये आपको तो पता ही होगा कि सर्दी के मौसम में कैरेट हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, और इससे हम सब रेसिपी बना सकते हैं। तो कैरेट केक हम बना रहे हैं, तो कैरेट केक बनाने के लिए हम लिए यहाँ पे 2 1/3 कप मैदा लिए हैं, 1 1/2 कप चीनी लिए हैं, और 1/4 कप ऑयल लिए हैं। तो आप लोग मुझे बोलते थे कि हम क्या चीज़ से मेजरमेंट करते हैं, तो आज हम सब जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो वो हम सब कप से आपको नाप कर दिखाते हैं। और यहाँ पे लिए है 1 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। और यहाँ पे हम लिए है 1/4 कप लिए हैं हम यहाँ पे कैरेट। इसे हम क्रश करके इसके अंदर जो पानी रहता है वो अच्छे से हम निकाल दिए हैं। और यहाँ पे 2 अंडा। तो आइए अब कैरेट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉल में 2 अंडे डाल देंगे। तो फ्रेंड, अब हम एक बॉल में 2 अंडे डाल लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अंडे हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, मेजरिंग कप हम अमेजोन से परचेज किए थे। अगर आपको भी इस तरह का मेजरिंग कप लेना है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। शुगर का पाउडर बना कर लिए थे, इस तरह पाउडर लेने से ये केक में हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ऑयल भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये कैरेट। और कैरेट में से हम इसका पानी निकाल दिए थे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप कैरेट क्रश करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो आप उसका पानी को अच्छे से निकाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड, कैरेट मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैदा, तो मैदा आप एक ही साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो ये देखिए फ्रेंड, मैदा डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें दूध भी डालेंगे, दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मिल्क डाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम एक पैन में इस तरह से ऑयल लगाकर मैदा लगा लिए हैं। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा जो केक का बैटर है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हम सारे केक का बैटर को पैन में ऐड कर दिए हैं। अब हम इस तरह से इसे डैप कर लेते हैं, इसके अंदर जो बबल्स होगा वो हट जाएगा। तो ये देखिए, हम यहाँ गैस में कुकर गर्म करने के लिए रख दिए थे, और इसमें हम
सैंड डाल दिए थे और 10 मिनट हो गए हैं, कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया, सैंड भी गर्म हो गया, तो इसके अंदर हम एक स्टैंड डाल दिए हैं। अब ये जो हमारा केक का बैटर है उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो केक का बैटर को इसमें इसके अंदर हम डाल दिए। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें आपको सीटी नहीं लगाना है, तो हम इसमें से सीटी हटा दी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा दिए और हमें इसे लो फ्लेम में 30 से 35 मिनट पकाना है। तो हम इसे लो फ्लेम में 30 से 30 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड चेक करते हैं, हमारा 35 मिनट हो गया था और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए थे, तो इसे हम खोल कर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए केक हमारा बिल्कुल हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसे ज़्यादा देर इसी तरह कुकर के अंदर छोड़ देंगे तो कुकर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है और केक हमारा ज़्यादा केक में जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसीलिए हम इसे बाहर निकाल के रख देते हैं और इसे हम 10 मिनट छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड केक हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हम इस तरह से पहले इसे चाकू से घुमा लेते हैं, जो साइड साइड में लगा हुआ होगा वो छूट जाएगा। हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड केक हमारा कितना अच्छा बना है और इसका शेप देख सकते हैं आप, पूरा परफेक्ट आया है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसे काट लेते हैं। तो इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है हमारा कैरेट केक, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आया है जिस तरह से हम डाले थे। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो कितना आसान है, कैरेट केक बनाना कितना आसान है, इसे आप तुरंत में बना सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।